आज छुट्टी है और छुट्टी है 1 मई की। मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो करते हैं स्टार्ट वीडियो। अच्छा, 1 मई आपको पता होगा कि मज़दूर डे के हवाले से मनाया जाता है। तो मज़दूर सिर्फ वो मज़दूर नहीं जो कि दिहाड़ी लगाता है बाहर या रेड़ी लगाता है या जो भी है, वो लोग भी मज़दूर हैं जो कि किसी दफ्तर में काम करते हैं या किसी अच्छी जगह पे काम करते हैं। आज का मौसम काफ़ी खुशगवार था और सुबह से काफ़ी धूप थी, लेकिन वेदर के मुताबिक चेक किया तो 12 के बाद मौसम काफ़ी अच्छा था। क्लाउडी वेदर और कहीं कहीं पे बारिश का भी इम्कान है। सोचा फिर वीडियो बना लें, और वीडियो में अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं है, प्लान था कि Q&A कर लें। तो देखते हैं क्या करते हैं, तो जाते हैं अंदर और बात करते हैं। अच्छा, अंदर तो मैं गया, लेकिन वहाँ पे थोड़ा लाइट का इशू था तो मैं बाहर निकल आया। तो अभी ये हुआ है कि थोड़ी देर पहले तो नहीं, तकरीबन कोई सुबह के टाइम 8 के बाद मुझे एक मैसेज आया था एक दोस्त की तरफ से। अभी मैं रिवील नहीं करना चाहता कि कौन है। तो वो एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज, और उसी इंस्टीट्यूट ने जो है वो स्टार्ट किया शॉर्ट फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्री मेकिंग। क्योंकि ये दोस्त पहले हम दोनों कोलीग रह चुके हैं, और डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म मेकिंग हमने कोर्स किया था एक साथ तकरीबन कोई 2016-17 के आसपास। तो एग्जैक्ट टाइम मुझे भी याद नहीं, हवाएं चल रही है। तो हुआ ये कि उसने कहा कि कुछ कंटेंट मुझे चाहिए, 3 महीनों का कोर्स है, इसमें शॉर्ट फिल्म मेकिंग और डॉक्यूमेंट्री मेकिंग दोनों सिखानी है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। तो उनको एक ऑलराउंडर बंदे की ज़रूरत थी, तो ऑलरेडी वो इसके साथ इंगेज है, वो वीडियोस वगैरह बनाता है, सब कुछ करता है। तो फिर ये हुआ कि उन्होंने मुझसे रब्ता किया और कॉल पर हमारी डिस्कशन हुई, और उन्होंने कहा कि आपकी खिदमत चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, हम हाज़िर हैं। अच्छा, तो कॉल पे बात हुई और उन्होंने कहा कि भाई फ़िलहाल तो वो कह रहे हैं कि जो एकेडमी है जो भी है व्हाटएवर, वो कह रहे हैं कि हम एक ही बंदे के साथ जाएंगे, लिहाजा हम आपको जानते हैं, आपके लर्निंग स्टाइल को हमें अंदाज़ा है हमें, और आप जो है चूँकि पहले से भी हमारे साथ पढ़ा रहे हैं, तो आप आगे भी कंटिन्यू करें और ये कोर्स भी आप पढ़ा दें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन साथ में ये है कि उन्होंने मुझसे रब्ता किया, मैं अपने लिए बहुत एजाज़ की बात समझता हूँ, मेरे साथ मशवरा किया, तो कुछ कंटेंट हम बनाएंगे उसके लिए। और फिर ये किया उन्होंने कि 3 महीने का कोर्स है, उसको हमने डिवाइड किया, फर्स्ट मंथ प्री प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन और फिर पोस्ट प्रोडक्शन। तो उन्होंने कहा कि पहले मंथ में जो है उसमें मैं आपको एक 2 सेशन के लिए बुलवाऊंगा, फिर सेकंड उसमें भी सेशन में भी और थर्ड में भी, जो कि हमने 3 हिस्सों पे उसको डिवाइड किया। और अब ये है कि फ़िलहाल तो मैं रिवील नहीं करना चाह रहा, ना ही हम वो स्केड्यूल बताएंगे और कब से स्टार्ट हो रहा है, ये भी अभी फाइनल नहीं। तो अब ये प्लान है, तो प्लान तो ये बन चुका है। अब ये है कि लंच का टाइम है, लंच करके उसके बाद थोड़ी सी नैप लेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, तो उसके बाद आपसे मिलते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में। अच्छा, तो क्वेश्चन सेशन आंसर में जो है हम इंक्लूड करेंगे क्वेश्चन। कल मैंने एक पोस्ट किया था यूट्यूब के ऊपर, तो उससे कुछ क्वेश्चन आए हैं, और इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन आए थे, और अभी भी जो है पर्सनल में मुझे फिर कुछ क्वेश्चन आए हैं जिसका भी जो है वो आंसर देते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था हु इज़ योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन व्लॉगिंग। और व्लॉगिंग जो मैंने देखने स्टार्ट की तो वो मैंने फर्स्ट व्लॉग जो है वो मोरू का देखा था प्रॉपरली, उससे पहले शॉर्ट फिल्म में कि शॉर्ट फिल्म वगैरह और ये चीज़ें जो है ये मैं देखते रहता था या डॉक्यूमेंट्री वगैरह हो गई। लेकिन व्लॉग मैंने प्रॉपर जो स्टार्ट किया वो इरफान को देख के स्टार्ट किया। इरफान जो है जो भाई के सीन कुछ ऐसे हैं। अच्छा दूसरे क्वेश्चन में आ गया है, अच्छा माई क्वेश्चन वेयर आर यू गोइंग टू अरेंज अ फैन फैंस मीटअप। अच्छा तो मैं तो इतना कोई बड़ा व्लॉगर फ़िलहाल हूँ नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो हो जाएंगे। और ना मेरे कोई इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं ना इतने ज़्यादा मेरे फैंस होंगे फ़िलहाल मैं समझता हूँ, तो कम से कम 1,000 तो छोड़ें तो कम से कम ये 5,000 तक तो हो तो फिर ना जो फैन मीटअप बनता है ठीक है। तो फिर भी अगर आप पेशावर से बिलोंग करते हैं या आप तरबेला से बिलोंग करते हैं तो हम वीकेंड पे जो है वो कोई प्रोग्राम बना सकते हैं। अच्छा इसके अलावा जो है वो आप कौन सा मोबाइल यूज़ करते हैं? भाई मेरे पास हुआवे का मोबाइल है। आप एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? अच्छा एडिटिंग जो है मैं नॉर्मल जो प्रोफेशनल एडिटिंग करता हूँ उसके लिए मैं Adobe Premiere Pro, और नॉर्मल जो मेरी एडिटिंग होती है उसके लिए मैं CapCut यूज़ करता हूँ मोबाइल पे। अच्छा आप व्लॉगिंग इस गैजेट पे करते हैं? अच्छा मैं व्लॉगिंग के लिए मोबाइल यूज़ करता हूँ, मेरे पास iPhone 10 है X सिंपल, उस पे मैं करता हूँ और एडिटिंग भी उसी पे ही कर लेता हूँ। अच्छा पेट्स लवर, हाँ मैं पेट्स लवर हूँ, पहले कोई ख़ास नहीं था लेकिन बाद में जब थोड़ा सा वो हुआ कि मतलब घर में चलने लग गई तो फिर मैंने एक जो है वो कैट बिल्ली जो है मैं लेकर आया, लेकिन बाद में पता चला वो बिल्ला है जो अक्सर आप मेरी वीडियोस में देखते हैं। इसके अलावा मेरे पास गांव में एक बकरी भी है और अभी जो है उसका एक छोटा सा बकरा भी है। और आपने तोते, अच्छा हाँ तोता मैंने रखा था कुछ 10 साल पहले तकरीबन आई थिंक, लेकिन वो फिर भाग गया था उसके बाद मैंने ट्राई नहीं किया। हाँ अलबत्त पेशावर में जो कज़न है मेरा उनके घर में है, वो छोटे छोटे रंग बिरंगे भी हैं और एक दूसरे भी है जो कि अभी बातें तो उसने शुरू नहीं की लेकिन इरादा है उसका कि जल्द प्रोग्राम बना लेगा बातें करने का। आप क्रिकेट खेलते हैं तो ये कौन है? अच्छा मैं क्रिकेट अपने कज़न्स के साथ खेलता हूँ यहाँ पेशावर में, गांव में जाता हूँ तो वहाँ पे तो टाइम नहीं मिलता मुश्किल से। और हाँ कॉलेज के वक्तों में जो है वो काफ़ी क्रिकेट खेली है। ट्रैवलिंग का कोई व्लॉग बने? अच्छा भाई तो ट्रैवलिंग का ये है कि कोई ट्रैवल करेंगे तो व्लॉग बनाएंगे, और अगर कोई ज़बरदस्ती करवाते हैं कि यार हम जो है आपको सपोर्ट करते हैं या स्पॉन्सर करते हैं तो ट्रिप करें ट्रैवल करें और व्लॉग बनें तो भाई उसके लिए हम हाजिर हैं। खैबर बाज़ार में फूड की वीडियो बनाए? अच्छा भाई खैबर बाज़ार में वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, और लेकिन ये है कि उसके लिए अकेले अच्छा नहीं लगता, कोई दोस्त साथ में ना हो तो मज़ा नहीं आता। इससे पहले मैं कुछ वीडियोस बना चुका हूँ लेकिन यह है कि कोई साथ में ना हो तो मज़ा नहीं आता। आर यू फास्ट फूड लवर? मैं बिल्कुल फास्ट फूड लवर हूँ लेकिन कुछ हद तक, ज़्यादा नहीं। आपका एक व्लॉग था जिसमें कुछ डरावना दिखाना चाह रहे थे, उसमें कुछ था? यार वो तो इस तरह था कि प्लान किया हुआ था लेकिन जहाँ पे प्लान किया हुआ था वहाँ पे प्रोग्राम बन नहीं सका तो हम थोड़ा साइड पे गए क्योंकि दूसरे दोस्तों के भी ख्याल रखना था तो वो आ नहीं सकते थे, तो हमने सोचा कि हम चले जाते हैं, कुछ वो उस तरफ से आ गए कुछ हम चले गए। लेकिन ये है कि रास्ते में ये कोई ऐसा रास्ता है कि हो सकता है
मतलब सुनी सुनाई बातें हैं और कुछ लोगों के साथ वाकयात पेश भी आए हैं वहाँ पे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप अगर दोस्तों के साथ हो तो आपके साथ कोई वाकया पेश आए। हो सकता है कि अगर आप अकेले हों तो हो सकते हैं आपके साथ कोई वाकया पेश आ सकते हैं। ये बताते हुए भी अभी मेरे थोड़े से कुछ बम निकल रहे कि आपके साथ इस तरह का कोई वाकया पेश आया है, किसी चीज़ ने आपको डराया है। यार वाकया तो पेश आया है लेकिन कोई ज़्यादा डर नहीं, क्योंकि हम थोड़े से थोड़े आदि हैं थोड़े, क्योंकि पता है ये चीज़ें हैं और अभी उनसे छुटकारा तो हम हासिल कर नहीं सकते, तो बस अल्लाह है वही हमें जो है वो बचा लेते हैं। तो ये आज का सेशन था, तो उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा या नहीं, और अगर नहीं किया तो माजरत, और अगर एंजॉय किया तो बस भाई आपने तो फिर मज़ा मिस नहीं किया। और इस तरह की स्टोरीज और भी हैं, लेकिन वो स्टोरीज जुड़ी हुई हैं तौसीफ के साथ, जो कि मेरे पिछले व्लॉग में मेरे साथ थे। यहाँ पे लिंक भी आ रहा होगा, तो उस व्लॉग में जो है तौसीफ था, और तौसीफ से फिर कभी मिलेंगे तो एक इसी तरह का एडवेंचर ट्रिप प्लान करेंगे, क्योंकि उनके साथ काफ़ी हादसा हो चुके हैं और वो सरवाइव भी कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। Please, the world is not checking.